गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र लेखन साधना जो होती है सबसे श्रेष्ठ और शीघ्र फलदायी साधना, आइए जानते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे, सूर्योदय तक भी जो नहीं जागते उनका तेज नष्ट हो जाता है। जल्दी सोना, जल्दी उठना शरीर और मन के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। गायत्री साधना मनुष्य मात्र के लिए सुलभ है और ये है भी अन्य सभी उपासनाओं में श्रेष्ठ और शीघ्र फलदायी। शब्द विज्ञान स्वर शास्त्र की सूक्ष्म धाराएं गायत्री महामंत्र में जिस वैज्ञानिक तरीके से मिली हुई हैं, वैसा संगम अन्य किसी भी मंत्र में नहीं हुआ है। शास्त्रों में पग पग पर गायत्री महामंत्र की महत्ता प्रतिपादित की गई है। देव्य उपनिषद, स्कंद पुराण, ब्रह्म संध्या भाष्य, उष्णः संहिता, विश्वामित्र कल्प के पन्ने गायत्री जप की महिमा से भरे पड़े हैं। देवी भागवत में तो सिर्फ भगवती गायत्री की माया का सुविस्तृत वर्णन है। गायत्री जप से सांसारिक कष्टों से मुक्ति तो मिलती ही है। गायत्री की सिद्धियां मनुष्य को अनेक प्रकार की भौतिक और दैवी संपदाओं से विभूषित कर देती हैं। जहाँ गायत्री मंत्र का इतना महत्व है और पुण्य प्रभाव है, वहाँ कुछ नियम बंधन और मर्यादाएं भी हैं। गायत्री उपासना का एक नाम संध्या वंदन भी है, जिसका अर्थ होता है दो पहरों के संधिकाल में की गई उपासना, अर्थात गायत्री उपासना के परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नियमबद्ध जप उपासना भी आवश्यक है। आज की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं कि हर किसी को सुबह और शाम का समय जप के लिए मिल ही जाए, ये आवश्यक नहीं। रात को ड्यूटी करने वाले हों या महिलाएं हों, देर तक बैठने की जिनकी स्थिति ना हो, उनके लिए नियमित उपासना की सुविधा कैसे हो सकती है। इसका अर्थ क्या ये हुआ कि ऐसे लोगों को माँ के अनुग्रह से वंचित रहना पड़ेगा? मनुष्यों ने इस कठिनाई के समाधान के लिए मंत्र लेखन साधना का मार्ग निकाला, जिन्हें वेशभूषा आजीविका के बंधनों के कारण या ऐसे ही अन्य कारणों से जप की व्यवस्था ना हो सके, वे गायत्री मंत्र लेखन अपनाकर आत्मकल्याण का मार्ग ठीक तरह से प्रशस्त कर सकते हैं। इसके लिए पृथक उपासना, वेशभूषा, स्थान वाली मर्यादाओं में छूट रखी गई है। पवित्रता के आधार का परित्याग तो हम नहीं कर सकते, पर स्वच्छता पूर्वक कहीं भी किसी भी समय बैठकर कोई भी मंत्र लेखन साधना वैसी ही शास्त्र सम्मत और फलप्रद बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है यज्ञात प्राण स्थिति मंत्रे जपन मंत्रस्य जागृति अति प्रकाश वांश्चैव मंत्रो भवति लेखनात्। अर्थात यज्ञ से मंत्रों में प्राण आते हैं, जब से मंत्र जागृत होता है और लेखन से मंत्र की शक्ति आत्मा में प्रकाशित होती है। एक अन्य जगह कहा गया है कि साधना से सिद्धि के अनेक मार्ग हैं, इनमें भी मंत्र लेखन ही विशेष श्रेष्ठ है। यदि श्रद्धापूर्वक शुद्ध मंत्र लिखे जाएं तो जप से 10 गुना फल देते हैं। नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र लिखने से वेदमाता गायत्री साधक पर अधिकाधिक प्रसन्न होती हैं। जब हम मंत्र जप करते हैं तब हाथ की माला के मन के फिराने वाली उंगलियां और उच्चारण करने वाली जिह्वा ही प्रयुक्त होती है, किंतु मंत्र लेखन में हाथ आँख मन मस्तिष्क आदि अवयव व्यस्त रहने से चित्त की वृत्तियाँ अधिक एकाग्र रहती हैं और मन भटकने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। मन को वश में करके, चित्त को एकाग्र करके मंत्र लेखन किया जाए तो अनुपम लाभ मिलता है। इसी कारण मंत्र लेखन का बहुत महत्व है। कई व्यक्ति पूछते हैं कि मंत्र लिखी हुई जो कॉपियां हैं उनका क्या करें। मंत्र लिखी हुई पुस्तिकाएं
प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति की तरह होती हैं, जिन्हें किसी भी अपवित्र स्थान पर नहीं रख देना चाहिए। ये ना केवल श्रद्धा का अपमान है, किंतु एक प्रकार की उपेक्षा भी है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को भी विधिवत पवित्र तीर्थस्थलों में प्रवाहित करने का विधान है। वही सम्मान इन पुस्तिकाओं को भी दिया जाना चाहिए। जिनके यहाँ इन्हें स्थापित करने के लिए पवित्र स्थान ना हो, ये पुस्तिकाएं गायत्री तपोभूमि मथुरा भेज देनी चाहिए। वहाँ इन मंत्र लेखनों का प्रतिदिन प्रातः और सायं विधिवत आरती पूजन संपन्न करने की व्यवस्था है। मंत्र लेखन साधना में जप की अपेक्षा कुछ सुविधा रहती है। इसमें षटकर्म आदि नहीं करने पड़ते। किए जाएं तो विशेष लाभ होता है और ना किए जाएं तो कोई हानि नहीं। किंतु किसी भी स्वच्छ स्थान पर हाथ मुंह धोकर धरती पर तखत पर या मेज कुर्सी पर बैठकर भी मंत्र लेखन का क्रम चलाया जा सकता है। जो कुछ भी हो, जैसे भी किया जाए, लेकिन मंत्र लेखन पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। पूजा स्थली पर आसन पर बैठकर मंत्र लेखन जप की तरह करना सबसे अच्छा है। मंत्र लेखन की कॉपी की तरह यदि उस कार्य के लिए कलम भी पूजा उपकरण की तरह अलग रखी जाए, उस कलम को और दूसरी चीज़ें लिखने के लिए उपयोग ना किया जाए तो और भी अच्छा है। और यदि सामान्य तरीके से लिखा जाए तो भी मंत्र लेखन तो लाभकारी होता ही है। तो शास्त्रों में सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा फलदायी मंत्र लेखन साधना होती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।